हेलो आयुषी, नैन्सी, श्रेनश, राज, ओमकार, रोहित, वेलकम मीनाक्षी, कुलदीप, दीप्तो, ईवा, आदर्श, हेलो रोहित, वेलकम एवरीवन। चले शुरू करें। हेलो वैभव, वेलकम श्रेया, वेलकम काव्या, वेलकम मेघना। चलो भाई शुरू करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ सीमेट 2020 एंड दिस इज पार्ट नंबर 7। क्लियर? और आज हम बात करने वाले हैं कि पार्ट नंबर 7 में आज कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो भी ध्यान रखना। 25 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, 25 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। चलो क्लास की शुरुआत करें। हेलो अरिजीत। चलो देखो, दिस सेशन इज एट 12:30 जनरल अवेयरनेस सेक्शन। आपको यू नो दैट कि इसमें भाई कितने क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता है कि जिस सीमेट में 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, राइट? नॉट फ्रॉम करंट अफेयर्स, एक्चुअली दे आर फ्रॉम जनरल अवेयरनेस। क्या क्या जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए? लिटरेचर के बारे में, यू शुड नो अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, पर्सनैलिटीज इन न्यूज, ट्रेड अवेयरनेस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एंड देन यू हैव टू नो द स्पोर्ट्स न्यूज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड साइंस इन एवरी डे। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ऑन दीज थिंग्स और 25 क्वेश्चन में इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चले क्लास की शुरुआत करें। चलो हियर वी गो। वी हैव गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। कोई भी इधर उधर मार्क नहीं करेगा, ठीक है? मार्क योर आंसर ऑन द पोल। चलो मार्क करो। अरे क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग एरा इज आइडेंटिकल टू गुप्ता एरा। ठीक है, संजीव है मार्क द आंसर करेक्टली, देन शेफाली, देन अभिलाष, हर्ष, मेघना, राज। वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर करो। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। वेलकम भावेश। दीप्तो, यहां मार्क नहीं करना है आपको। क्या हुआ रानी, टेंशन कोई? वेलकम खुर्शीद। अच्छा, देखो भाई अपना लीडर बोर्ड देख लो। संजीव इज ऑन फर्स्ट, देन शेफाली, अभिलाष, हर्ष, मेघना, राज, अखिलेश, भावेश एंड नैन्सी हैव गॉट द करेक्ट आंसर्स। बाकी गलत हो गया सबका। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वल्लभी इरा। क्लियर? वल्लभी इरा ही सबसे इंपॉर्टेंट इरा था जो गुप्ता पीरियड के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, दिस इरा वॉज स्टार्टेड आफ्टर गुप्ता, ये गुप्ता से आफ्टर गुप्ता इरा, और ये सौराष्ट्र का हिस्सा है। ध्यान रखना, ये जो इरा मनाया जाता है ना, ये आज भी सौराष्ट्र में मनाया जाता है। सौराष्ट्र समझते हो ना? सौराष्ट्र जो गुजरात वाला हिस्सा है, जो वेस्टर्न इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में गुजरात वाला जो हिस्सा है वो वाला क्या है, वल्लभी एरिया को आज भी मानता है। अच्छा, विक्रम एरा इज नथिंग बट विक्रम संवत। आप सबने पढ़ा होगा विक्रम संवत, जानते हो ना? विक्रम संवत जो होता है वो आज भी मनाया जाता है। हम लोग विक्रम संवत के कैलेंडर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल, तो वो विक्रम संवत है। ये ऑफिशियल कैलेंडर है किसका? ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल। हाँ श्रेया, आ रहा हूं मैं। ठीक है, ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल है। इज दिस क्लियर? अच्छा, विक्रमादित्य ने इस चीज को दिया था, ये ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि विक्रम एरा किसने दिया था, विक्रम एरा नाम कैसे पड़ा, तो वो विक्रमादित्य ने दिया था। ठीक है, और गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ लेना क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। जूनागढ़ रॉक बनाई गई थी इसमें, और आपके जो मथुरा का स्टोन पिलर है वो बनाया गया है गुप्ता पीरियड में। ठीक है, वेलकम विश्वा। ठीक है, हाँ 57 ईयर्स अहेड है हमारे कैलेंडर। ठीक है, तो हम लोग आगे की चीजें को सोचते थे। चलो अगले क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर हेयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर मार्क करना पोल पर। ठीक है, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। वेरी गुड, वेलकम जपाक्षी। कुलदीप ने सही आंसर दिया है, देन श्रेया, एस के हैज गिवन द राइट आंसर, रिया का आंसर आ गया करेक्ट, राहुल, देन अनय, आदर्श, बाकी सबका गड़बड़ हो गया। देखो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, रीड द क्वेश्चन करेक्टली बच्चों। वेलकम प्रियंका, हेलो जपाक्षी। देखो भाई, कुलदीप इज नाउ ऑन फर्स्ट, देन संजीव, शेफाली, श्रेया हैज मार्क द करेक्ट आंसर, अभिलाष, हर्ष हैज मार्क द करेक्ट आंसर, एसके का भी करेक्ट है,
रिया, राहुल एंड अनय। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल नंबर 355। बहुत ध्यान से समझना, आर्टिकल 355 जो लिखा गया है ना, उसके अंदर सेंट्रल पावर हैज अ गवर्नमेंट टू प्रीएम्प्टिव टू टेक द प्रीएम्प्टिव एक्शन टू प्रोटेक्ट एनी स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रीगेशन और द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, जो सेक्शन 144 आप लोग पढ़ते हो ना, वो सेक्शन इसी के अंतर्गत इम्पोज की जाती है। ठीक है, जबकि आर्टिकल 356 इज द स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी कही जाती है इसको। क्लियर हो गई बात। आर्टिकल 360 इज नथिंग बट फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कल भी आपको बताया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यहां पर लगाई जाती है। आर्टिकल 358 किसी को पता है? हाँ, यही वाला था, हमने ऐसी ही कुछ बात करी थी कल भी। ठीक है, तो आर्टिकल 358 का बताओ। आर्टिकल 358 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पता है आपको? यहां पर आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड हो जाता है। आयुषी, ये आपने नेशनल इमरजेंसी जो बताया वो आर्टिकल 356 है, वो 352 है। नेशनल इमरजेंसी इज इन 352। ठीक है, यहां पर जो होता है वो आपका आर्टिकल जो 19 होता है वो सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 गेट सस्पेंडेड इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल 352। ठीक है, हाँ शिनस, वो 352 है। हाँ, फंडामेंटल राइट, दीप तो आप सही कह रहे हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होगा? आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम टू स्पीच, या राइट टू स्पीच वाला जो आर्टिकल है ना, राइट टू स्पीच, वो खत्म हो जाता है। एक बात बताओ, कौन सी इमरजेंसी में आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22 सस्पेंड होते हैं? आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22 आर सस्पेंडेड इन विच इमरजेंसी? वैभव, सस्पेंडेड ऑल आर्टिकल नहीं होता, सस्पेंड जब हम जानते हैं। हाँ श्रीनाथ, याद रखना, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 20 आर नेवर सस्पेंडेड। क्लियर, 21 और 20 कभी सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, तो अगर कर्फ्यू लगा भी हुआ है और नेशनल इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, तब भी आप अपने पसंद की लड़की या लड़के से शादी कर सकते हो। कल बताया था ना ये, अरे समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप दो, जल्दी से थम्स अप दो। गुड, वेरी गुड, चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। ठीक है, इधर उधर आंसर मत देना, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। Who among the following was the last Satavahana ruler? देखो, Satavahana ruler जो Satavahana emperor थी, वो Deccan range में आई थी। ठीक है, Deccan area में, region में थी ये, और Deccan आप जानते हो southern India को कहा जाता है। देखो भाई, बहुत कम लोगों का आंसर सही आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? रिया has given the fastest answer, 6.6 seconds. Very good, रिया। Then आशी का आंसर आया है, कुलदीप का आंसर आया है, शालू का आंसर आया है, काव्या, मेघना, नित्या। ठीक है, this is women empowerment. चलो देखो भाई, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, रिया गॉट द सेकंड रैंक नाउ, मेघना इज ऑन थर्ड, अखिलेश, संजीव, शेफाली, श्रेया, आशी एंड देन अभिलाष। ठीक है, चलो, गुड मॉर्निंग रामकिशोर। देखो भाई, यहां पर दक्कन रीजन में हमारा सतवाना रीजन, सतवाना रूल आता था। दक्कन रीजन जानते हो ना, सदर्न इंडिया में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा पुलामावी फोर्थ। ठीक है, ये लास्ट थे और 30th थे, ध्यान रखना, ये 30th रूलर थे, इसके बाद ये रूल खत्म हो चुका था। फर्स्ट रूलर की बात करेगा तो सौमुखा थे, ये फर्स्ट रूलर थे, और सेकंड रूलर की बात करेगा तो वो कृष्णा थे। ठीक है, फर्स्ट रूलर सौमुखा थे, दूसरे जो कृष्णा थे, और लास्ट रूलर कौन थे? पुलामावी, ये 30th रूलर थे। ठीक है, अगर कभी इनके बारे में पूछ लिया जाए तो इनका याद रखना, ये मतलब एक तरीके से मान सकते हो ये थर्ड रूलर भी थे। ठीक है, ये थर्ड रूलर थे यजनाश्री शताकर्णी। ठीक है, रजनाश्री शताकर्णी जो थे वो थर्ड रूलर थे। पहला रूलर कौन था? शिमुखड़ा। ठीक है, दूसरे कौन थे? कृष्णा, और लास्ट कौन थे? पुलामावी। लास्ट पूछते हैं या वो फर्स्ट पूछेंगे? और ये डक्कन रीजन में था, सदर्न इंडिया में। इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखो, मार्क करना इसका आंसर। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हॉर्स लेटिट्यूड आर हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल काम बेल्ट्स which make an area that receive little precipitation and has varial wind mixed with calm. These latitudes lies between which of the following? ठीक है, मैं आपके पोल शुरू कर रहा हूं, mark your answer on the poll. इधर उधर कोई mark नहीं करेगा, ठीक है, mark your answer on the poll. कुलदीप has given the right answer, then आशी, मीनाक्षी का सही है, रानी, अखिलेश, वैभव, रिया, शेफाली, संजीव, सचिन, अनुज। ठीक है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि हॉर्स लेटिट्यूड, ध्यान है आपको, डोलड्रम के ऊपर पाई जाती है। डोलड्रम याद है कि नहीं याद है? डोलड्रम कहाँ होती है? डोलड्रम बेल्ट किसको कहते हो? विच बेल्ट इज नोन एज डोलड्रम बेल्ट?
इसी को बोला जाता है इक्वेटोरियल बेल्ट, इक्वेटोरियल बेल्ट इक्वेटर पर पाई जाती है ये, ठीक है। चलो सबका आंसर आ चुका है, आई एम अपडेटिंग यू विद द लीडर बोर्ड। कुलदीप, रिया, मेघना इज आवर टॉप थ्री, उसके बाद है अखिलेश, आशीष, शैफाली, संजीव, राहुल, मीनाक्षी एंड रानी। देखो ध्यान से समझो, ये जो है ना इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इज दिस क्लियर? 30 to 35 degrees दोनों तरफ होते हैं। अब देखो मैं इसका एक फोटो आपको दिखाता हूँ जिससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखना, अभी मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं, देखो आप सभी को दिख रहा है ये? दिख रहा है तो जल्दी से थम्स अप दो। आप समझो जरा ये, देखो यहां बीच में आप समझ पा रहे हो ना, बीच में क्या दिख रहा है आपको? ट्रेड विंड्स दिख रही हैं। ये ट्रेड विंड्स दिखी, ये ऐसे चलती हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर चल रही है आपकी ट्रेड विंड्स। ऊपर जो होता है इस वाले रीजन को, ये रीजन और ये रीजन जो आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है हॉर्स लेटिट्यूड, ठीक है। हॉर्स लेटिट्यूड समझ पाए? हॉर्स लेटिट्यूड होता है, जो नीचे वाला होता है वो ईस्टर लाइज होती है। क्या होती है? ईस्टर लाइज, ठीक। इसके बीच में क्या आती है? वेस्टर लाइज। ये बीच में वेस्टर लाइज बन गई, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या हो जाएंगी? ईस्टर लाइज हो जाएंगी, ठीक है, ईस्टर लाइज। अरे समझे कुछ? और ये जो बीच वाला है ना, इसी को कहा जाता है डोल्ड्रम। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। इक्वेटोरियल पोर्ट पर आती है ये, इक्वेटोरियल रीजन पर आती है। यहां से याद कर लो, यहां पर इंट्रो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है, इंट्रो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्लियर होगा। डोल्ड्रम की रीजन होता है, इसी को डोल्ड्रम कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर और नीचे ट्रेड विंड्स आती है। क्वेश्चन पूछा जाता है डोल्ड्रम और ट्रेड विंड्स कहां पर पाई जाती है? डोल्ड्रम सेंट्रल रीजन मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पर, और इसके जस्ट ऊपर ट्रेड विंड्स होती है, जस्ट ऊपर और नीचे ट्रेड विंड्स होती है। वेस्टर्न लाइज हॉर्स लेटिट्यूड के ऊपर आती है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है हॉर्स लेटिट्यूड के ऊपर आती है। वेलकम जयेश, ठीक है। और लो प्रेशर बेल्ट के नीचे क्या आता है? ईस्टर लाइज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ईस्टर लाइज कहते हैं। समझ पाए इस बात को? तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया क्या होगा? ये 30 to 35 degree बोथ नॉर्थ और साउथ में होती है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेलकम कार्तिक, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो क्या ही आंसर लगाना है आपको। चलो मार्क करो आंसर, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। ये ए वाला ए किसने दिया? बहुत मार खाओगे। कुलदीप का आंसर सही है, अंजलि का सही है, मेघना का सही है, देन शालू का आंसर ठीक आया है, कार्तिक हैज गिवन द राइट आंसर, वैभव, नित्या, शुभम, भावेश, रिया गड़बड़ कर दिया ना, दीप्तो का आंसर सही है। सबको उल्टा लटका के मारने वाले हैं अब हम, ठीक है। बहुत टाइम लेते हो। वेलकम साक्षी, देखो भाई लीडर बोर्ड देख लो, मेघना इज ऑन सेकेंड नाउ, अखिलेश इज ऑन थर्ड, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन रिया, आशी, शैफाली, संजीव, वैभव, शालू, राहुल, ठीक है। हाँ बस यही गड़बड़ हो गया। देखो यहां पर बात हो रही है केएमएस की, तो इसको बोला जाता है खरीफ मार्केटिंग सीजन, ठीक है, खरीफ मार्केटिंग सीजन बोला जाता है। इज दिस क्लियर? खरीफ मार्केटिंग सीजन। अच्छा खरीफ में आप समझ लो तीन तरीके की क्रॉप्स होती हैं, याद होगा आपको। एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होती है रबी, रबी समझते हो ना, ठीक है, रबी क्रॉप होती है, और एक होती है आपकी कौन सी, जिसको बोला जाता है इसको बोलते हैं जायद, ठीक है, जायद बोला जाता है। देखो खरीफ जो होती है ना, खरीफ क्रॉप जो होती है वो जुलाई में शुरू होती है, ठीक। जुलाई मतलब जब बरसात का समय होता है, और जुलाई से सितंबर तक होती है ये, ठीक है, सितंबर तक ये काम होता है। उसके बाद कौन सी आ जाती है? रबी क्रॉप आ जाती है। रबी वाली क्या होती है? सर्दी में आती है, ठीक है, ये अक्टूबर से मार्च तक चलती है, और मार्च के बाद क्या होगा? जायद क्रॉप आ जाएगी। तो यहां से मार्च टू जायद क्रॉप, मार्च टू जून, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, शुरुआत कहां से करनी है? मार्च से, ठीक है। जायद की शुरुआत करोगे मार्च से, जून आ जाएगा, जून के बाद खरीफ क्रॉप लग जाएगी, जिसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है, पानी ज्यादा लगता है, ठीक। जैसे पैडी फील्ड होते हैं ना, पैडी फील्ड आपने देखा होगा, जिसको जो लोग धान की खेती करते हैं, जो लोग चावल उगाते हैं, उनको इस समय पर क्या करना पड़ता है? उगाई करनी पड़ती है। तो जुलाई से सेप्टेम्बर तक वो कहानी चलती है, फिर अक्टूबर से मार्च, ये जो रबी क्रॉप होती है, ये क्रॉप वो होती है जिसमें ठंड की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे वीट, इस समय क्या है, जो गेहूं की खेती है वो सबसे ज्यादा होती है, बात समझे? गेहूं हो गया और बाजरा हो गया, बाजरा समझते हो ना, बार्ले कहा जाता है इसको, बार्ले, ठीक है। और इसमें आ जाएगी खरीफ क्रॉप में क्या हो जाएगी? राइस। और इसमें और क्या आ जाएगा? मेज, मकई। मकई के दाने खाए कि नहीं खाए? अरे मकई खाया कि नहीं? मक्का, वेरी गुड। अरे आप लोग जाते होगे वहां पर पीवीआर में शो देखने जाते होगे, आप सिनेमा में शो देखने जाते होगे, जब वहां जाते हो तो वो 70 रुपए का देते हैं पॉपकॉर्न,
ठीक है। और पॉपकॉर्न 70 रुपए का देते हैं, अपने आप मुश्किल से मिलता है। अच्छा, जायद जो होती है बच्चे वो होती है मार्च टू जून, ठीक है, मार्च टू जून होती है, इसको समर क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है, समर क्रॉप भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा 250 का कर दिया। हाँ वेरी गुड कार्तिक, मक्के की रोटी और उड़द की दाल, बहुत सही, पंजाब में होता है मक्के की रोटी और, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ठीक है, तो वहां पर वो लोग खाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, जायद क्रॉप क्या होती है, राबी क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, समझ में आ गई सभी को? हाँ जल्दी से थम्स अप दो अगर समझ में आया तो, थम्स अप हम सब देते रहा करो, ठीक है, ठंड का मौसम है यही पिया करें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आए, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई मार्क योर आंसर, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंटरफेरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देखो इंटरफेरेंस शब्द 3 जगह इस्तेमाल होता है, एक ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक, 3 जगह होता है, मैं बता देता रहा हूँ बाकी 2 जगह कहाँ होगा, ठीक है। बाकी जो 2 जगह होता है वो बेसबॉल में इस्तेमाल किया जाता है, बेसबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। मार्क योर आंसर ऑन द पोल, इधर उधर मार्क मत करो, और ए और सी वालों को तो उल्टा लटका के मारेंगे अब हम। कुलदीप का आंसर सही है, रानी का आंसर सही आया है, अंजलि का आंसर है, और ओमकार का आंसर सही है, 4 लोगों ने आंसर सही दिया है बस। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। अच्छा देखो इंटरफेरेंस शब्द जो है बेसबॉल में इस्तेमाल किया जाता है, और कहां इस्तेमाल करते हैं इसको, हॉकी में, आइस हॉकी में, ठीक है, आइस हॉकी। अपना लेडर बोर्ड देख लो भाई, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन मेघना, अखिलेश इज ऑन नाउ ऑन थर्ड, रिया फोर्थ पर है, रानी, आशीष, शेफाली, संजीव, अंजलि एंड वैभव, ठीक है। कार्तिक आंसर नहीं दे रहे हो, अरिजीत क्या का, कोई बात नहीं अरिजीत, आपको आंसर समझ में आना चाहिए। कार्तिक आंसर क्यों नहीं दे रहे बच्चे, आंसर दो। अच्छा सुनो, ये आइस हॉकी में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हो सकता है वो ऑप्शन बदल दे। तो इंटरफेरेंस शब्द 3 जगह इस्तेमाल होता है, एक चेस में इस्तेमाल होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बेसबॉल में इस्तेमाल किया जाता है, हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइस हॉकी ध्यान रखना, हॉकी और आइस हॉकी अलग अलग चीज है। अनुजा इंटरफेरेंस का मतलब आप नहीं समझे, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब डिफेंडर और अटैकर के बीच में सुपर इम्पोजिशन हो जाता है। सुपर इम्पोजिशन समझते हो ना, जब आप जैसे आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, आपके साथ आपका जो डिफेंडर खेल रहा है वो भी एक साथ चाल चल दे, ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। बेस बॉल में क्या होता है, बॉल लेकर जब आप दौड़ रहे होते हो तो, हाँ वेरी गुड रानी, अब तुम आए सही पे, बिल्कुल सही समझ रहे हो, ठीक है, मतलब उंगली नहीं करना, जो सामने वाला कर रहा है उसको करने दो, ठीक है। अरे समझे इंटरफेरेंस का मतलब, इंटरफेयर करना, व्हेन यू आर इंटरफेयरिंग विद अ प्रॉपर प्ले ऑफ ए गोल, ठीक है, जब आप गेम के प्रॉपर रूल से इंटरफेरेंस करते हो तो उसे कहा जाता है इंटरफेरेंस। बेसबॉल में होता है, हॉकी में होता है, और चेस में होता है। क्लियर हो गई ये बात, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अनुजा ने पूछा है क्या पूछा है अनुजा आपने, चेस में, चेस में क्या होता है, जैसे 2 आदमी बैठे, हम बैठे हैं और आप बैठे हुए हो, ठीक है, हमने क्या किया, हमने जैसे ही आपने चाल चली हमने तुरंत चाल चल दिया, या आपके चलने से पहले ही मैंने अपनी चाल को पीछे कर लिया, ठीक, तो उसको बोला जाता है, जैसे बचपन में करते हो ना चीटिंग जो कर लेते हो आप लोग, उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। इंटरनेशनल में ये चीजें नहीं चलती है। स्क्वैश रानी, स्क्वैश जो होता है ना, एक प्लाई सामने लगी होती है, उसमें एक लाइनिंग बनी होती है और पीछे कांच लगा होता है, 2 आदमियों को ऐसे खड़ा कर देते हैं, वो आपस में खेलते हैं, ठीक है। हाँ देसी बॉल्स को पीटो बॉल कहा जाता है, ठीक है, दीवार से वापस आती है, दीवार से बॉल को वापस आती है, फिर मारते हैं, फिर वापस आती है, ठीक है। हाँ अनुजा, रिकी बेल में भी था, और अगर आपने वो देखी हो विवाह मूवी देखी हो तो उसमें भी था ये चीज, ठीक है, उसमें भी थे ये, ठीक है। चलो बहुत हो गई मूवी की बात, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, आमा की ओर आंसर। अरे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मार्क करो, क्या हुआ कार्तिक, गोल्फ, क्या गोल्फ अंग्रेजों का गेम है भाई, और ये बड़ा मस्त गेम है, मतलब छोटी सी गेंद को इतने बड़े फील्ड में मार दो और गड्ढे में जाए तो निकाल लो जाके, खुद ही निकालो जाके, है कि नहीं, ठीक है। और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ तो सड़कों में इतने गड्ढे, हम लोग तो स्कूल जाते जाते गोल्फ खेल लेते थे, है कि नहीं, बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। हाँ फिर ढूंढो, और स्कूल में जूते इसी चक्कर में फाड़ दिए हमने, वो
पत्थर मार मार के आते थे तो जूते फट जाते थे। ठीक है, देखो कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन मेघना, अखिलेश, रिया इज ऑन फोर्थ, शेफाली, शालू इज नाउ ऑन सिक्स, रानी सेवेंथ, आशी, देन संजीव, देन अन्या। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 93। बहुत ध्यान से समझना, दक्षिण गंगोत्री इज द इंडिया फर्स्ट सेटलमेंट इन अंटार्कटिका, और दूसरा जो है उसको बोला जाता है मैत्री। ठीक है, भारत के दो सेटलमेंट है वहां पर, दोनों याद कर लो, दक्षिण गंगोत्री भी है और मैत्री भी है, और दोनों के दोनों आइस में बरी हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। अंटार्कटिका में इंडिया हैज टू सेटलमेंट, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। क्लियर? हाँ, ये तो अमीरों का गेम होता है गोल्फ वाला तो। ठीक है, अपन तो डंडी से खेलते थे, मास्टर साहब रोज खेलते थे हमारे साथ, क्योंकि पढ़ के जाते नहीं थे, मार खाते थे, तो वो गोल्फ वैसे ही खेलते थे। और गोल्फ में जो चीज लाल होती थी तो मैं तो बता भी नहीं सकता यहाँ, है कि नहीं? जल्दी से थम्स अप दो। ठीक है, बहुत मार पड़ती थी। चलो आगे बढ़े, चलो मार्क करो इसका आंसर। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन सुना होगा, अलनीनो के बारे में आप लोग जानते होंगे। वेरी गुड कार्तिक, हैज गिवन द फास्टेस्ट आंसर, वेरी गुड कार्तिक। मैत्री शुभम उसके बाद बनाई गई थी, 92 या 90 के आसपास थी ये। ठीक है, चलो मार्क करो इस क्वेश्चन का आंसर। पता है अलनीनो इज एन, बताए आंसर नहीं बताते? अच्छा चलो जल्दी से मार्क करो। अच्छा दो ऑप्शन काट दे रहे हैं, 50-50 पोल देता हूं, दो आंसर नहीं हो सकते, बी और डी आंसर नहीं हो सकता, अब मार्क करो। अच्छा अब गायब हो गए। चलो कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन मेघना, रिया आ गई थर्ड पर, वेरी गुड, शेफाली, फिर है अखिलेश, संजीव, अंजलि, अनय, राहुल एंड शालू इज ऑन टेंथ नाउ। ठीक है, हाँ अब आया, देखो सही। अरे कमेंट में मत बताया करो बच्चों। देखो ये क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है। देखो अलनीनो से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना अलनीनो एक वार्म करंट है। पहली चीज तो क्या है, ये एक वार्म करंट है, ध्यान रखना। ये कैसी है, वार्म करंट है। इंडिया में कहाँ आती है, इंडिया में ये केरला रीजन में आती है, केरला। ठीक है, इंडिया में केरला रीजन पर आती है, और जून से सितंबर के बीच में, जून से सितंबर के बीच में आती है, और यही हमारे यहाँ मानसून लाने का काम करती है। वेलकम नेहा, यही हमारे यहाँ क्या करती है, मानसून लाने का काम करती है, वार्म करंट होती है, और इक्वेटोरियल पैसिफिक से आती है। ये कहां से आती है, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक से आती है, इक्वेटोरियल पैसिफिक, ध्यान रखना, वर्ड याद रखना, इक्वेटोरियल पैसिफिक, ये शब्द याद रखना। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलनीनो कहां से आती है, फ्रॉम वेयर डज द अलनीनो ओरिजिनेट, तो इक्वेटोरियल पैसिफिक से आती है, नॉर्थ अमेरिका से होते हुए, नॉर्थ अमेरिका में विंटर सीजन में आती है वो वहां पर। ठीक है, वार्म करंट होती हुई आती है इंडिया के पास, और इंडिया में कहां आती है, केरला में आती है, वहीं से हमारे मानसून की शुरुआत हो जाती है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई तो जल्दी से थम्स अप दो, फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मार्क योर आंसर ऑन द पोल, पोल देर में देंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग, हाई फूड कमोडिटी एंड एनर्जी प्राइसेस, सोवर्जिन डेब्ट प्रॉब्लम, हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट। चलो भाई इसमें पूछा गया है कि इस समय भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सी चीज है, ध्यान रखना 2019 को ध्यान में रखना है, यू हैव टू कीप माइंड द ईयर 2019। ऑप्शन शुरू करें, चलो मार्क करो। मार्क योर आंसर ऑन द पोल, अनुज का आंसर सही है, दीप्तो का आंसर सही है, कुलदीप का आंसर, देन प्रिया, रानी, राहुल, कार्तिक गड़बड़ मत करो, पोल पर मार्क करो। अरे अब तो सही लगाओ, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। शुभम का आंसर आ गया, राहुल, राज, हर्ष, चलो भाई जल्दी से मार्क करो। मार्क योर आंसर ऑन द पोल, आज मार्क योर आंसर ऑन द पोल। देखो लीडर बोर्ड देख लो, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन मेघना, रिया इज ऑन थर्ड, शेफाली, राहुल, दीप्तो, अखिलेश, संजीव, अंजलि एंड अनय। ठीक है, चलो देखो भाई इस क्वेश्चन का आज की डेट में जो प्रेजेंट कंडीशन है, देखो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन समझते हो ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी की प्राइस का इंक्रीमेंट होना, तो एनर्जी प्राइसेस भी ज्यादा है। अभी आपने सुना था कि 10% जो आपका बिल है वो इंक्रीमेंट हो गया है, बिजली का बिल इंक्रीमेंट लगकर आता है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे। और फूड तो भैया आपको पता ही होगा, प्याज 120 किलो हो गया है, 120 रुपए किलो हो गया है। हाँ, सर्टेन राइज इन द प्राइस ऑफ ए गुड इज नोन एज इन्फ्लेशन। व्हाट इज डिफ्लेशन,
डिफ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्लेशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा जितने लोगों को पता है थम्स अप दो जल्दी से, गुड। हाँ, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, फॉल इन द प्राइस आप बोल सकते हो, डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन बोला जाता है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, ठीक है, ये सब इकोनॉमिक्स में आता है। अच्छा स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन बताओ क्या होता है, स्टैटिक इन्फ्लेशन इसको बोला जाता है, अगर आप अलग अलग लिखो ना इसको, STATIC, स्टैटिक इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन आए और कुछ देर रुके, ठीक है, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इज दिस क्लियर? अरे सोवर्जिनिटी प्रॉब्लम नहीं है, डेप्थ प्रॉब्लम भी नहीं है हमारे लिए। इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज गोइंग डाउन ड्यू टू द इन्फ्लेशन प्राइस, आदमी के पास पैसा ही नहीं है खाना खाने का। हाँ कंबाइंड, वेरी गुड दीप, तो आपने बिल्कुल सही कहा, स्टैटिक इन्फ्लेशन और साथ में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है। अभी करेंटली जो चल रहा है वो इन्फ्लेशन चल रहा है, एक्चुअल में इन्फ्लेशन भी नहीं है, स्टैगफ्लेशन है, लगातार चीजें बढ़ी हुई है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया है, कम हो गया है। आपको पता है इस समय एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, केवल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 2.5 है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज क्रॉस 4.7%, ठीक है, 4.7% को भी क्रॉस कर चुका है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। प्रणय, यहाँ पर सब कुछ जो है ना, एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, मतलब एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट हमको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम की दिक्कत आ रही है। चलो अब ये क्वेश्चन लगाओ, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आई एम स्टार्टिंग द पोल, ठीक है, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग आंसर मार्क कर देना इसका, पोल स्टार्ट करें। चलो भाई पोल स्टार्ट करते हैं, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। संकल्प, नेटवर्क प्रॉब्लम है, रिफ्रेश कर लो बच्चे, रिफ्रेश कर लो, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। अनुजा का आंसर सही आया है, कुलदीप का आंसर सही आया है, कार्तिक हैज गिवन द फर्स्ट फास्टेस्ट आंसर, वेरी गुड कार्तिक। दीप्तो का भी आंसर फास्टेस्ट आया था, 1.3 सेकंड्स। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। ए और बी वाले तो मार खाने वाले हैं, तुम लोग यहां होते तो उल्टा लटका के मारे होते हम, ठीक है, वेलकम रोहित। अच्छा कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन मेघना, देन दीप्तो इज नाउ ऑन थर्ड, राहुल, अखिलेश, संजीव, रिया, अनय, शेफाली और अंजलि, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झारखंड, ये झारखंड में है, ठीक है, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन झारखंड। महाराष्ट्र की याद कर लो कौन कौन सी है, काव्या, ठीक है, कान्हा है इसका, शायद कान्हा है या काव्या है, एक चीज ये करेक्ट कर लेना, काव्या है कि कान्हा है, किसी को याद है ये काव्या है कि कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क अलग है, अरे सुनो कान्हा नहीं होगा, ये जानते हो क्या होगा, ये होगा एक सेकेंड, लेट मी रिमेम्बर इट्स नेम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बड़ी सारी चीजें हो जाए तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसको बोला था कोयना, वही हमने कहा कोयना है, कोयना कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। और एक याद कर लो, और एक है राधागिरी, ठीक है, राधा नगर या राधागिरी आप कर लो, राधागिरी और राधा नगर ये भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। बिहार में जो है वो याद कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये बर्ड सेंचुरी है, बिहार में पूछ लिया जाता है। राधा नगरी है, ठीक है, राधा नगरी, वही मैं कह रहा था कुछ कंफ्यूजन है, राधा नगरी और राधागिरी एक ही चीज है। अच्छा राधा नगरी है तो राधागिरी काट दो, राधागिरी नहीं होगा फिर, राधा नगरी होगा, राधा नगरी इज इन महाराष्ट्र, राइट। और वेस्ट बंगाल की भी अब याद ही कर लो, इसकी क्या ही दिक्कत है, इसमें हो जाती है आपके महानंदा, ठीक है, महानंदा, ठीक है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ठीक है। तो अच्छा मेघना रायगंज, ये राधा नगरी का बताया आपने मेघना, राधा जो रायगंज बता रहे हो ये राधा नगरी का ही है ना,
देख लेना डिटेल। फिलहाल राधा नगरी और कोयना जो है वो महाराष्ट्र में है, बिहार में जो है चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी है, वेस्ट बंगाल का याद कर लो महानंदा वेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन वेस्ट बंगाल, और झारखंड के लिए कौन सी आ जाएगी, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो सभी लोग, ठीक, मेरा अर्थमेटिक का कोर्स है फॉर सीमेट, सीमेट 2020, इट इज अबाउट टू एंड, ठीक है। आज उसमें एवरेज की क्लास होगी शाम को 7:30 बजे, ठीक है। इफ एनीवन वांट टू ज्वाइन कैन ज्वाइन दिस, और मेरा एक प्लस बैच आने वाला है फॉर करंट जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस सीमेट 2020 के लिए, और ये प्लस बैच है, ठीक है, प्लस बैच है ये, ठीक, प्लस बैच है ये, प्लस बैच। हाँ भाई क्या करें, थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, मेघना, ठीक है, रायगंज अलग है, वेस्ट बंगाल में, सुन लो सभी लोग, रायगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में है। रिया अर्थमेटिक वाला ये प्लस था बेटा, ये प्लस कोर्स है, इसमें जो जानकारी है वो प्लस कोर्स की है, ठीक है। तो रिवीजन कोर्स ऑन जनरल अवेयरनेस प्लस बैच है, इसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस लगभग 300 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, इधर टीसीएस ने पूछे हैं या एनटीए ने पूछे हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एनडीए कराने जा रही है, तो वो सिमिलर वैसा ही पेपर रखेगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लें, ठीक है, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो भाई। हाँ मैं कराऊंगा, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा रानी, ये सीक्रेट है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है, मैं लिंक दे देता हूँ, ताकि आपको सारी पीडीएफ मिलती रहे टाइम टू टाइम। मैंने आज भी पीडीएफ आपको दी है, ठीक है, पीडीएफ दी है, कुछ इमेजेस भी मैंने भेजी हैं, वो आप पढ़ लेना, वहां पर मैंने पिंक कर दिया है, ठीक है। नित्या चलो, मैंने पिंक कर दिया है, हाँ, बिल्कुल प्रणय, बिल्कुल ज्वाइन करो। हाँ रिया, आई विल गिव यू द पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, टीसीएस और एनडीए ने जो एग्जाम कराया ना, मैं उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ इस प्लस कोर्स में, ठीक है। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, एंड दोज हु आर टारगेटिंग आईआईएफटी, ठीक है, आईआईएफटी, स्नैप, स्नैप का एग्जाम और जेड का एग्जाम जो होता है, और सीमेट जो होता है, आप जानते हो इन सभी एग्जाम्स में जीएस आती है, ठीक है। तो जीएस बेसिकली मैं ही कराने वाला हूँ आपको, ठीक है, तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन जीएस, ठीक है। एंड इफ यू आर टारगेटिंग CAT 2020, ठीक है, तो आप लोग याद रखो, यू हैव टू टेक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड Shailender1903। अरे अरिजीत निकल जाएगा, टेंशन मत लो अब, ठीक है। हाँ कार्तिक मैं आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो कर लेने दो भाई, अपने लिए भी है कि नहीं। चलो थम्स अप दो जल्दी से अगर समझ में आया तो, फिर आगे बढ़े, अभी बहुत मजा आने वाला है, और 25 क्वेश्चन तक कोई हिलेगा नहीं, ठीक है। चलो, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है आपको, चलो मार्क करो, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। शेफाली स्नैप में भी आती है, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। अरे मार्क करो, डोंगरी लैंग्वेज, ये मैंने पढ़ाया है आपको, दिस आई हैव टॉट यू, डोंगरी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को याद है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2000, अब आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अरे पोल नहीं दिखा क्या तुम लोगों को, हैव यू नॉट गॉट द पोल और वॉट, अरे कुछ समझ में आ रहा है, आप लोगों को पोल नहीं दिख रहा है क्या, आर यू गेटिंग द वॉइस, आप सभी को वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है अखिलेश, मेरे यहां नहीं चल रहा था, हाँ, आगे बढ़ रहा हूं। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया क्या अनुजात, हाँ थोड़ा सा फ्रीजिंग हो गया था सिस्टम में। सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, ओमकार हैज गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, अब सही आया, चलो मार्क करो। अब जो लोग ए सी डी दबा रहे हैं ना, उन लोगों को तो हम उल्टा लटका के मारने वाले हैं, बहुत मार खाओगे। अब तो आंसर बता दिया, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1 साल बाद होता है अपने यहाँ। वेलकम प्रीति, हेलो प्रीति, हाँ कार्तिक, चलो माफ कर दिया सबने,
चलो देखो भाई अपना अपना लीडर बोर्ड देख लो। इसका आंसर सभी को पता चल गया होगा, 2004 है। कुलदीप हैज गिवन द फर्स्ट, कुलदीप फर्स्ट पे आए हैं, देन मेघना, राहुल इज नाउ ऑन थर्ड, अखिलेश, दीप्तो, नित्या, संजीव, अनय, शेफाली एंड शालू। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2004। अरे कोई गूगल तो यूज नहीं कर रहा है? बहुत मार खाओगे अगर गूगल यूज करोगे तो। ठीक है, गूगल का यूज मत करना। चलो इसको देखो, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन 2003 और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2004 में। ठीक है, 2004 में इसको यूज हुआ था। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी? डोंगरी का आ गया था। और कौन सी लैंग्वेज आई थी जल्दी जल्दी से बताओ? डोंगरी थी, बोडो लैंग्वेज, बोडो भी पूछ सकता है, बोडो थी, मैथिली थी, ठीक है, मैथाली और मैथिली थी, और कौन सी थी? सेंथाली। ठीक है, ये चार लैंग्वेज ऐड की गई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आपको बताया था जो सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी, ये ऐड करी थी 19 ये ऐड की गई थी 1967 में। ठीक है, 1967 में इसको ऐड किया गया था। और एक बार एडिशन हुआ था जब 1992 में एडिशन हुआ था। कौन सा? कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है, और नेपाली। ध्यान रखना नेपाली लैंग्वेज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इस समय टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं कितनी है? 22 है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड मेघना, हाँ 22 है, टोटल 22 है आज की डेट में। लेकिन जब संविधान बनकर आया था तो कितनी लैंग्वेज थी? 14। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी एंड इनेक्टेड देयर वर 14 लैंग्वेजेस। ठीक है, 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ कितनी है? 22 लैंग्वेजेस है। क्लियर? चलो, वेरी गुड संकल्प, वेरी गुड कुलदीप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। पहले पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ध्यान रखना यहाँ बात लोकसभा और राज्यसभा की नहीं हो रही है, लोकसभा की हो रही है। तो द स्पीकर मे रिजाइन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर, बट डिप्टी स्पीकर मे नॉट रिजाइन राइटिंग टू द स्पीकर। ठीक, डिप्टी स्पीकर मे रिजाइन टू द राइटिंग टू द स्पीकर, बट स्पीकर मे नॉट रिजाइन टू द राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर में रिजाइन बाय राइटिंग टू ईच अदर, डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर में राइटिंग रिजाइन टू प्रेसिडेंट। चलो मैं पोल शुरू कर रहा हूं। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। चलो मार्क करो, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। अच्छा नैन्सी, हाँ टेस्टनेट में पूछ लेता है। नेपाली जो थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई है। ठीक है, और वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। चलो मार्क योर आंसर ऑन द पोल। डी वालों को तो उल्टा लटका के मारने वाले हैं लोग। डी वालों बहुत मार खाओगे। अरे भाई ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं मेरे भाई, ये एक दूसरे के ही प्यार में मरे जा रहे हैं। ठीक है, वेलकम ऋचा, हाँ इसमें म्यूचुअलिज्म होता है। देखो कुलदीप फर्स्ट पे है, मेघना इज ऑन सेकंड, राहुल इज ऑन थर्ड, अखिलेश, शालू इज नाउ ऑन फिफ्थ, दीप्तो, नित्या, संजीव, अनय, शेफाली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी ऑप्शन। ये दोनों एक दूसरे को ही रिजाइन करते हैं। डिप्टी स्पीकर रिजाइन करेगा स्पीकर को, स्पीकर रिजाइन करेगा डिप्टी स्पीकर को। अच्छा कुलदीप, गूगल का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, हाँ गूगल का इस्तेमाल मत करो। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इज दिस क्लियर? हाँ, रिया डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दीप्तो, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? अपने सीनियर को देगा। ठीक, लेकिन स्पीकर क्या करता है? अपने डिप्टी स्पीकर को देखता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, प्रोटियम स्पीकर। प्रोटियम स्पीकर सुना है? प्रोटियम स्पीकर कितने लोग जानते हैं? थम्स अप करो। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द प्रोटेम स्पीकर? जब लोकसभा बदलती है, जब लोकसभा चेंज होती है ना, तो जो पिछला वाला स्पीकर होता है, जब लोकसभा एंड होती है तो वो स्पीकर बना रहता है, वो स्पीकर नहीं हटता है, स्पीकर बना रहता है जब तक कि कोई नया स्पीकर ना जाए। तो जिस पीरियड के लिए वो लोकसभा सस्पेंड हुई और फिर नई बनी, उसके बीच में जो आया वो प्रोटेम स्पीकर होता है। अब वो स्पीकर रिजाइन किसको करेगा? वो डिप्टी स्पीकर को करेगा। ठीक, जब रिजाइन होगा तो डिप्टी स्पीकर को होगा, फिर नया स्पीकर आएगा तो नया स्पीकर को भी कौन शपथ दिलाएगा? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो शपथ दिलाने वाला काम भी प्रेसिडेंट, नहीं, शपथ दिलाने वाला काम प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं, अपॉइंट करना, और जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं इसको, जो ओथ देने का काम होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, समझ पाए दीप? तो क्लियर हुआ कुछ?
वेलकम ईशान। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, मार्क योर आंसर ऑन द पोर्ट। क्लियर, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? चलो इसका आंसर तो सबका सही होना चाहिए यार, सबका सही होना चाहिए। रानी ने फास्टेस्ट आंसर दिया है। हाँ ये ए वाला कौन है, ए किसने मार्क किया है? बहुत मार खाओगे, ठीक है जल्दी से थम्स अप दो। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप दो। देखो तुम लोग 40 मिनट पढ़ चुके हो, पता लगा 40 मिनट पढ़ाई कर चुके हो, मतलब तुम लोग को तो नोबेल प्राइज देना चाहिए। चलो अपना अपना पोल देख लो, सारे के सारे सही लिखे हुए हैं भाई। कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन मेघना, राहुल, अखिलेश, शेफाली, शालू, दीप्तो, काव्या, नित्या, भावेश, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ऑल आर करेक्टली मैच, मोनोपोली एंड रिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1970 में आया था, लॉन्ग टर्म फेशियल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1985, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1965, ठीक है 1965, और इसका पुराना नाम पूछा गया है, ध्यान रखना इट्स न्यू नेम। श्रेनस क्या वर्क नहीं कर रहा? नहीं नहीं राहुल कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, रिफ्रेश करो, कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा एग्रीकल्चर, अच्छा अच्छा देखो इधर ध्यान दो, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में बना था, इसका जो प्रेजेंट नेम है उसका नाम है CACP, ठीक है, कमीशन, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल कॉस्ट, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, इसका ये नाम है नया वाला, ठीक है, इट्स न्यू नेम इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। अच्छा मोनोपोली एक्ट थी ना वो बड़ी मजेदार थी, ये वाली जो फर्स्ट वाली है ना ये पता है क्यों लाई गई थी? ये इसलिए लाई गई थी कि मतलब कुछ लोगों के पास ही सारी चीजें ना पहुंच जाए, मतलब देखा होगा आपने कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं कोई चीज करते हैं तब, ठीक है, तो सारी की सारी वेल्थ एक ही जगह पर ट्रांसफर ना हो जाए, उसलिए मोनोपोली को खत्म किया गया था, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई थी कि हर जगह कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, हर जगह उस चीज को लागू नहीं किया जा सकता, और अगर आप लागू करते हो तो यू हैव टू गिव द कॉर्पोरल टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरल टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। अरे समझे कुछ, जल्दी से थम्स अप दो, अरे थम्स अप हम सब देते रहा करो वरना टेंशन हो जाती, पता चला गायब हो गए, ठीक है। चलो मार्क योर आंसर ऑन द पोल, आई एम स्टार्टिंग द पोल, ठीक है, चलो मार्क करो। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया इंपोर्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी, चलो मार्क करो आंसर पोल पर, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चाइना नहीं हो सकता, चाइना इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, टी को एक्सपोर्ट करता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है बिगेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है, इंडिया इज द सेकंड एक्सपोर्टर, ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक, लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं मैक्सिमम अमाउंट, बहुत ज्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत जो करते हैं वो आता है। देखो लीडर बोर्ड, कुलदीप है फर्स्ट पे, देन मेघना, राहुल, अखिलेश, शेफाली, शालू, दीप्तो, काव्या, भावेश, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेपाल। क्लियर हो गई बात, तो इंडिया इंपोर्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी फ्रॉम नेपाल, क्लियर हो गई बात। चलो इसमें कुछ भी नहीं है यार, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो अगला वाला क्वेश्चन, मार्क करो इसका आंसर। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, मैं ऑप्शन आपको देना शुरू कर रहा हूं। मार्क योर आंसर ऑन द पोल, पोल पर मार्क करो। संजीव हैज गिवन द फास्टेस्ट आंसर, उसके बाद कार्तिक, वेरी गुड, शेनस का भी आंसर आ गया, काव्या का भी आ गया, रोशनी ने भी आंसर दे दिया सही है, दीप्तो का आंसर सही है, मेघना, साक्षी, ईवा, श्रद्धा का आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के झज्जर में है, ध्यान रखना हरियाणा के झज्जर में है ये, ठीक है। अपना अपना लेडर बोर्ड देख लो भाई, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन मेघना, राहुल, अखिलेश, दीप्तो, काव्या, भावेश, संजीव, शेफाली, शालू, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान जरा बताओ उत्तर प्रदेश में न्यूली फॉर्म कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नया पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जल्दी से बताओ,
उत्तर प्रदेश में कौन सा नया पावर प्लांट बनाया जा रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है भाई, जो 2022 में अपना काम करना शुरू करेगा, दैट विल स्टार्ट वर्किंग इन 2002। आपको याद होगा खुर्जा, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट खुर्जा में है उत्तर प्रदेश में, ये 2022 में, हाँ 2022 में ये अपना काम करना शुरू करेगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा पंजाब में ध्यान रखो, पंजाब में कौन सा है, पंजाब में है गोविंद, ये मतलब बोला जाता है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये कहां पर है, ये पंजाब में है, ठीक है, उत्तराखंड नहीं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट, लार्जेस्ट कौन सा है पता है, विच इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट, विच इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट, रिया कायगा नहीं, कायगा नहीं है, ये है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, विंध्याचल, विंध्याचल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है ये, एनटीपीसी का प्लान है, ठीक है, एनटीपीसी, एनटीपीसी की स्थापना भी याद कर लो 1959 में की गई थी, नो सॉरी 56 में, 1956 में की गई थी, ठीक है, विंध्याचल है, हाँ विंध्याचल है, हाँ विंध्याचल इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट, जो कि एनटीपीसी का पावर प्लांट है, एनटीपीसी की स्थापना की गई थी 1956 में। एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जल्दी से थम्स अप दो सभी लोग, फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा है यार, इसमें तो क्या ही दिक्कत है, मार्क करो आंसर, प्रणय, कुलदीप, शेफाली, नैन्सी, इन सबका आंसर आ गया, प्रिया का भी आंसर, प्रियंका का आंसर आ गया है, बहुत लोग का आंसर आ गया, तो बहुत तेजी से आ गया है, रिया का भी आंसर आ गया, राम किशोर ने भी आंसर दिया है, आदर्श का आंसर आ गया, वेरी गुड। अब मार खाओगे एसीडी वाले, एसी वाले, अरे कोलाइडल सॉल्यूशन पूछा गया है, फॉग इज ऑल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क इज ऑल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें स्मोक इज ऑल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन, आंसर क्या होगा, डी। अरे समझे कुछ, अरे पोल नहीं आया, अच्छा, देखो पोल, ये देख लो अपना लेडर बोर्ड, कुलदीप, अखिलेश इज नाउ ऑन सेकेंड, राहुल इज ऑन थर्ड, मेघना इज ऑन फोर्थ, भावेश, शेफाली, दीप्तो, शालू, ठीक है, पोल नहीं आया, अच्छा कहीं कहीं पर आ रहा है, कहीं कहीं पर नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करो जरा, देखो ध्यान से, यहां क्या पूछा गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन पूछे गए, कोलाइडल मतलब जिसमें दो चीजें आपस में मिक्स होती है, अरे कोलाइडल समझते हो ना, अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन से ही आप मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, और ध्यान रखना मिल्क से, मिल्क एक इमल्शन होता है, इमल्शन, इमल्शन को हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं, पायस, ठीक है, पायस कहा जाता है हिंदी में, ठीक, पायस बोला जाता है, और ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अच्छा कितने लोग फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करते हैं, भाई हम तो करते हैं, ठीक, मम्मी वाली फेयर एंड लवली खूब लगाए हैं और इसी चक्कर में मार खाते थे, ठीक, तो जितनी भी आप क्रीम का इस्तेमाल करते हो, ऑल द क्रीम्स यू यूज आर द इमल्शंस, ठीक है, वो सारी की सारी इमल्शन होती है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया है, क्रीम्स आर इमल्शंस, ठीक है, हम तो यूज करते थे भाई, अरे इसी चक्कर में गोरे हो जाए, हुए नहीं लेकिन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, ठीक है, ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, चलो मार्क करो आंसर पोल पर, रोहित क्या हुआ बच्चे, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, चलो मार्क योर आंसर ऑन द पोल, रिचा हैज गिवन द करेक्ट आंसर, मीनाक्षी का आ गया, शैलजा का आ गया, शुभम, विश्वा, राज, हाँ ये सब छलावा है, सब मोह माया है, ठीक है, सारा का सारा मोह माया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन अखिलेश, राहुल, ठीक है, मैं फिर मेघना, भावेश, शेफाली, शालू, काव्या, प्रणय, दीप्तो, ठीक, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अरे तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जहां पर रो को कहा जाता है क्या बोलते हैं, मटीरियल, मतलब रजिस्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होती है, डेट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी रजिस्टेंस का अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसका रजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्वेश्चन
कोई बात नहीं दीप्तो, आई एम बताइंग, मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम टेलिंग यू ना, समझ लो आप। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाता है। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाते जाओगे किसी भी वायर की, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता बढ़ता चला जाएगा। मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, आर इज डायरेक्टली क्या हुआ कार्तिक, रिफ्रेश कर लो, R is directly proportional to L, मतलब length बढ़ाओगे resistance बढ़ेगा, R is inversely proportional to area of cross section, ठीक है? अच्छा प्रणय, आप ही कॉमर्स वाले हो, कोई बात नहीं, आप समझ लो, R is inversely proportional to area of cross section and rho is resistivity, जिसको specific resistivity कहा जाता है, and it depend upon the nature of material, जैसा material कहा जाता है ना, copper का wire लगाना चाहिए, copper wire is very good for internal wiring of the house, ठीक है, इंटरनल वायरिंग ऑफ द हाउस में। अच्छा फ्यूज वायर में क्या होता है बताओ जरा, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ टिन, ठीक है, टिन और लेड का बना होता है, ठीक है, टिन और लेड का, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, टिन और लेड का फ्यूज वायर बनाते हैं क्योंकि लेड बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा चलो रानी मैं कराता हूँ, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हाँ इजी क्वेश्चन था, टिन और लेड का बना होता है फ्यूज वायर, ठीक है, अरे समझे कुछ, कॉपर वायर सबसे अच्छा वायर माना जाता है, हालांकि हम और भी चीजों का वायर समझ लेते हैं, वायर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से थम्स अप दो, सब कहाँ इधर उधर चले जाए, इधर उधर मत जाया करो क्लास के समय, क्लास में, ठीक है, 25 क्वेश्चन तक कोई हिलेगा नहीं। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, चलो मार्क करो इसका आंसर, इसमें पूछा गया है सेविंग एंड लोन एक्टिविटी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये नॉन गवर्नमेंट है, ध्यान रखना ये नॉन गवर्नमेंट होता है, ठीक है, तो प्राइवेट बैंक तो नहीं हो सकता, ए तो आंसर किसी ने दिया ही नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ईशान हैज गिवन द फास्टेस्ट आंसर, उसके बाद शालू का आया है, फिर साक्षी का आया है, फिर नित्या का आया है, ठीक है। चलो देखो भाई ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ चार पांच लड़के होते हैं, चार पांच जैसे हम लोग थे तो हॉस्टल में क्या करते थे, चार पांच बच्चे मिलकर एक ग्रुप बना लेते थे और सेविंग करना शुरू करते थे, 10-10 रुपए बचाते थे, जब 150 हो जाता था तो पार्टी करते थे, जानते हो ना 150 की कौन सी पार्टी होती है, संदीप इज ऑन फर्स्ट, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, राहुल इज ऑन सेकेंड, अखिलेश, मेघना, भावेश, शालू, शैपाली, ठीक है, दीप्तो, काव्या, आदर्श, ठीक, तो आप समझ लो ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, कुछ छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, उसमें क्या होता है आपस में क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं और फिर उसको उसको खर्च करते हैं, ठीक है। रोहित हॉस्टल में रहे हो ना, हॉस्टल में रहे होगे तो पता होगा, क्रिकेट बॉल भी लेना चाहते थे, हाँ बावे, जब क्रिकेट की बॉल लेने जाते थे तो भी कलेक्शन करते थे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट इट इज नॉट गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको गवर्न नहीं करता, अगर वो पैसा खा जाए ना आपका, जो जिस आदमी के पास जमा किए हो, तो आप कुछ कह नहीं सकते, वेरी गुड शुभम, हाँ सबसे ज्यादा ये विलेज, ये रूरल एरिया में सबसे ज्यादा होता है, रूरल एरिया में, और आपको पता होना चाहिए कि जो रूरल एरिया में विमेन्स होती है ना, जो विमेन आती है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये विमेन करती है, क्योंकि भाई उनको घर चलाना होता है, ठीक है, दे हैव टू सी अबाउट द होम थिंग्स ऑल्सो, होम एक्टिविटीज के लिए वो पैसा कुछ बचा कर रखती है, कलेक्शन करती है, किसी के घर में कोई दिक्कत हो गई तो उनको लोन भी दिया जाता है, ठीक है, हाँ गणेश चतुर्थी का चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। चलो चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये के बारे में पढ़ा होगा सर, हम्पी हम्फ्री डेवी ने क्या बनाया था, जरा बताओगे, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, ये डी वाले जितने हैं ना बहुत मार खाएंगे, डी किसने मार्क किया है, तुम लोग पिटाई खाने वाले काम कर रहे हो, सामने होते तो पता है ना, वो स्केल नहीं होता है, वो जो पहले हमारे यहाँ जो गांव वाले टीचर रखते हैं, हाँ शालू गलती से मार्क कर दिया, अच्छा मार्क योर आंसर ऑन द पोल, वो लकड़ी वाला स्केल नहीं होता था, उससे मार खाते थे हम लोग, ठीक है। चलो आप देखो अब इसका देख लो, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन राहुल, अखिलेश, मेघना, भावेश, शालू, दीप्तो, आदर्श, प्रणय एंड शैफाली। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेफ्टी लैंप, ठीक है, डॉक्टर वो सर हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बनाई थी। अच्छा स्टीम इंजन किसने बनाया था बता सकते हो, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, स्टीम इंजन किसने बनाया था जल्दी से बताओ, स्टीम इंजन, अरे ये पता होना चाहिए आपको, स्टीम इंजन बनाया था थॉमस
वॉट ने नहीं बनाया था, जेम्स वॉट ने स्टॉर्म, हाँ वेरी गुड दीप्तो, थॉमस सर्वे ने बनाया था, ठीक है, थॉमस सर्वे ने स्टीम इंजन बनाया था। हाँ हो सकता है, अभी देखो उसके मोबाइल लेना पड़ेगा मुझे, मोबाइल जब्त करवाते हैं सबका, अभी सबका मोबाइल जब्त करवा लेंगे, ठीक है, लैपटॉप में होगा तो लैपटॉप जब्त करवा लेंगे। सुनो अब काम की बात सुन लो, स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस सार्वी, ठीक है, सेफ्टी पिन वॉल्टर हर्ट ने बनाया था, ठीक है, वॉल्टर हर्ट, देखो इनका नाम है हर्ट, वॉल्टर हर्ट, और पिन चुभोने से सबसे ज्यादा दुख होता है, पता है कि नहीं, पता है ना, पिन चुभोई है किसी को, बहुत मार खाओगे, हमारे जैसे तो चुभोते ही नहीं थे, दुबले पतले आदमी अगर चुभो दे तो मारे ही बहुत जाए, ठीक है। चलो एक्सरे का तो सबको पता होगा, रॉजेंटन ने की थी, ठीक है, एक्सरे किसने की थी, रॉजेंटन ने की थी, ठीक है, हाँ वेलम रॉजेंटन उनका पूरा नाम था, ठीक है। वैभव इंडिया ने अपन ने 0 दिया है भाई, अरे पूरी डिजिटल चीज हमने दे डाली, इंडिया इज गिवन द डिजिटल डिजिटल थिंग, अरे जीरो नहीं होता तो बाइनरी कोड कैसे आता, बाइनरी समझते हो ना, आर्यभट्ट ने इसी पे तो काम किया था, हमने पाई की वैल्यू दी है, वी हैव गिवन द पाई वैल्यू ऑफ 3.14, कल की क्लास में मैंने ये बताया था, ठीक है, हमने डिजिटल इंडिया दिया है भाई, डिजिटल इंडिया जानते हो ना, आजकल मोदी जी बहुत कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, हाँ, और अपन देखो जुगाड़ पर ज्यादा चलते हैं, तुमने कंप्यूटर बनाया हमने खोलना सीख लिया उसे, ठीक, कंप्यूटर बाद में जुगाड़ पहले, पायरेसी पहले हो गई, ठीक है कि नहीं, जल्दी से थम्स अप दो जल्दी से। एक क्वेश्चन पूछा है शुभम ने, जेम्स वॉट ने क्या किया था, देखो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं जेम्स वॉट ने क्या किया था, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, ठीक है, स्कॉटिश इन्वेंटर थे, ठीक है, और इन्होंने स्टीम इंजन बनाया था जिसे वॉट स्टीम इंजन कहा जाता है 1766 में, ठीक है, उसके बाद इंडिया रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। अरे गन वैभव, गन जो बनाई थी वो कॉल्ट ने बनाई थी, जो गन बनाई गई थी वो कॉल्ट ने बनाई थी, कोल्ट ने, ठीक है, स्टैटिक ज्यादा आता है प्रणय, स्टैटिक आएगा लगभग 20 क्वेश्चन, 90 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं, और मतलब 5 क्वेश्चन जनरली आते हैं करंट अफेयर से, 5 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, और करंट अफेयर में भी रीसेंट वाली चीजें पढ़ना, जैसे कहां पर अभी कोई नई चीज बनी है, या कौन सा नया फेस्टिवल खत्म हुआ, कल्चर रिलेटेड, राइट, कल्चर रिलेटेड आती है, इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है प्रणय, तो उन पर ज्यादा ध्यान देना, ये मैंने ग्रुप में दे दिया है, दिस आई हैव सेंड इन द ग्रुप, जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है कैन ज्वाइन द ग्रुप, आई हैव पिंग द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पिंग कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, TERLS ये क्या है, जल्दी से बताओ ये क्या है, एक वॉट इज TERSL, TERSL इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम पता है ना, एनटीए, बेटा एनटीए कराएगा आपका पेपर, तो AICTE करा रहा ना, दैट विल कम अंडर एनटीए, ठीक है, TCS इज एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, ठीक है, वो आपको सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन अखिलेश, राहुल, मेघना, दीप्तो, भावेश, शालू, आदर्श, प्रणय एंड शेफाली, अब सुनो इधर आंसर सुन लो, TERSL जानते हो क्या होता है, थुम्बा है, थुम्बा इक्वेटोरियल, ठीक है, हाँ थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च व्हीकल होता ही है, ठीक है, रीजनल लॉन्च व्हीकल है, रीजनल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट होती है, रीजनल लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, रीजनल लॉन्च व्हीकल होता है, और ये रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च है जो थुम्बा में रिलेटेड है, ठीक है, थुम्बा में है ये, थुम्बा, ये थुम्बा में है, तिरुअनंतपुरम में, ठीक है, तिरुअनंतपुरम में है ये। अच्छा तिरुअनंतपुरम कहाँ है जल्दी से बताओ, रॉकेट है क्या, हाँ रॉकेट है, सॉरी रॉकेट है ये, अरे ध्यान से सुनो, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सैटेलाइट, ठीक है, तिरुअनंतपुरम कहाँ है जल्दी से बताओ, केरला, वेरी गुड, ठीक है, ये केरला में है, तो आज से गलत मत करना, ये अपने यहाँ ही है, ठीक है, यूएस वाला आंसर लगा के मत आ जाना, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है केरला में तुम्बा, ठीक,
चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो ये क्वेश्चन मार्क करो, ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक प्लानिंग, तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग में हमको सबका ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना, वी हैव टू थिंक ईच एंड एवरीथिंग, सबका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से आंसर मार्क करो, 25 क्वेश्चन से पहले कोई जाएगा नहीं, ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। जल्दी से थम्स अप देते जाओ जिन लोगों ने आंसर मार्क कर लिया है, थम्स अप दो। ये एबीसी वालों को तो मार पड़ेगी बहुत। अरे डेमोक्रेटिक कैसे बनोगे, डेमोक्रेटिक कैसे बनते हो? अरे आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी ना, अगर सुननी पड़ेगी तभी तो वो काम कर पाओगे। कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन अखिलेश, राहुल, मेघना, दीप्तो, भावेश, प्रणय, शेफाली, शालू एंड आदर्श। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। डेमोक्रेटिक प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इज दिस क्लियर? पता नहीं सबका मोबाइल अभी जब्त कराएंगे, टेंशन मत लो, सबका मोबाइल और सबका लैपटॉप अभी जब्त करा लेंगे, ठीक है। चलो मार्क योर आंसर ऑन द पोल, इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो, बातें नहीं, आंसर मार्क करो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड टर्न्ड मोती मस्जिद ऑफ लाहौर बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां इनटू अ जेमस्टोन रिपोजिटरी। किसी ने सही आंसर ही नहीं दिया। संकल्प का आंसर आया है, पल्लवी ने आंसर दिया है, प्रियंका का आंसर सही आया है, नैन्सी, नित्या का आंसर सही है, श्रद्धा ने आंसर सही दिया है, आशी का भी आंसर सही है, वेरी गुड, रश्मि का आंसर सही है, भावेश का आंसर सही है। पोल नहीं आ रहा है? पोल तो आ रहा है कुलदीप, पोल आ रहा है, ठीक है। इस देख लो, कुलदीप है, अखिलेश है, राहुल, मेघना, भावेश, दीप्तो, प्रणय, प्रणव, ठीक है, शेफाली, शालू एंड साक्षी। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराणा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह ने उसे किस में बदल दिया था? जेमस्टोन रिपोजिटरी में बदल दिया था। इज दिस क्लियर? अरे समझे कुछ? वेरी गुड, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह ने इसको किस में बदल दिया था? रिपोजिटरी में बदल दिया था। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मार्क करो आंसर। फर्स्ट टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट किसके साथ किया गया है, ठीक है। चलो मार्क करो इसका आंसर। कुलदीप ने सही दिया है, अनुज का आंसर आ गया, सचिन का आंसर आ गया, आशी का आंसर आ गया, सुजॉय, विश्वा, रानी, भावेश, शंकर, इन सबका आंसर सही है, साक्षी का आंसर सही है, हर्ष का आंसर सही, वेरी गुड। कार्तिक आंसर लगाओ, रिया आंसर, रानी का आंसर सही है, संजीव का आंसर आ गया, हर्ष का आ गया, अखिलेश मार्क योर आंसर। चलो भाई देखो, अब इसके बारे में कुछ नॉलेज लिख लो, ठीक है, कभी अगर पूछ ले तो क्या करोगे। कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, ठीक है, वेलकम पुष्कल, अखिलेश, भावेश, ठीक है, राहुल, दीप्तो, मेघना, साक्षी, प्रणय और फिर शेफाली और शालू। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, बर्मुडा के बारे में आपको समझ में आ रहा है, इंडिया है साइंड द फर्स्ट टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट विद बर्मुडा, ठीक है। अब ये समझ लो क्या है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो किसके अंडर होता है, ओईसीडी, ठीक है, ओईसीडी। ये है क्या? ये है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। और इसमें 36 मेंबर्स हैं, ध्यान रखना, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 36 मेंबर्स हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1961। 36 मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इंडिया ने पहला टैक्स फॉर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके साथ किया है? बारमूडा के साथ किया है। क्लियर हो गई बात? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ईशांत, यू हैव टू मार्क द आंसर और समझो, यही चीजें आपको आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। पता है आंसर मार्क करने के बाद आप सही आंसर देख लेते हो, इसीलिए आपको बहुत कम नॉलेज हो पाती है। उस क्वेश्चन के बारे में जितनी मिल सके सब कुछ ले लिया करो, ठीक है। जल्दी से थम्स अप दो अगर चीजें समझ में आ रही है। मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है? जल्दी से थम्स अप दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, बाद में बोल देंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कंटिन्यूइंग हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर रिटायर इन एवरी 2 ईयर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्ट
one third of the total member of the member legislative council in the state legislative council is to be created or abolished, a resolution have to be to that effect must be first passed by the state legislature by the two third majority. अब मैं आपको पोल देता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको पोल दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको पोल पर मार्क करना है, ठीक है? पोल स्टार्ट करें, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया ना? पोल स्टार्ट करें, चलो भाई, पोल स्टार्ट कर दिया, मार्क योर आंसर ऑन द पोल. हाँ, सब होता है, ये सब वाले बहुत नालायक है, बहुत मार खाओगे. संकल्प हैज गिवन द फास्टेस्ट आंसर, उसके बाद शेफाली, विश्वा, काव्या का आंसर आ गया, ईवा का आंसर आ गया, रश्मि का आ गया, अंजलि, अभिलाष, भावेश, दीप्तो, राज, इन सभी का आंसर आ गया, ठीक है? चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन. क्लियर हो गई बात? कंटिन्यूइंग हाउस नहीं होता है ये, इसमें इलेक्शन होता रहता है. कंटिन्यूइंग हाउस क्या होगा भाई? हर दो साल तो आप मेंबर को रिटायर कर रहे हो, कंटिन्यूइंग कैसे हो जाएगा, ठीक है? तो भाई देख लो अपना लेटर बोर्ड, कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, अखिलेश, भावेश, दीप्तो, राहुल, मेघना, शेफाली, साक्षी, प्रणय एंड संजीव, ठीक है? हाँ हाँ, राज्यसभा इज ए कंटिन्यू हाउस, उसको कभी सस्पेंड नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना. राज्यसभा जो है वो एक कंटिन्यूइंग हाउस है, उसे आप सस्पेंड नहीं कर सकते. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सभा इज नॉट सस्पेंडेड इन एनी ऑफ द ईयर, ठीक है? तो उसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा. अच्छा, अरे एक दूसरे, अरे मजे मत लो, तुम मार खाओगे, अपने आप सब आपस में मजे ले रहे हो, ठीक है? अच्छा सुनो, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट में इंडिया में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता है? हाउ मेनी स्टेट देयर आर लेजिस्लेटिव काउंसिल? प्रणय, राज्यसभा जो होती है वो एक कंटिन्यूएशन हाउस होती है, ठीक है? कंटिन्यूएशन हाउस का मतलब होता है इट इज नेवर डिसॉल्व, वो कभी डिसॉल्व नहीं की जाएगी, जबकि लोकसभा हर पांच साल बाद डिसॉल्व कर दी जाती है. लोकसभा डिसॉल्व होती है जब हम जनरल इलेक्शन कराते हैं, लेकिन राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व, ठीक है? चलो, अरे नालायको, अपने अपने आंसर लगाओ, क्या कर रहे हो, मजे ले रहे हो, ठीक है? आपस में बातें मत करो, इतना जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताओ. कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इंडिया में? हाउ मेनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर देयर इन इंडिया? सिक्स. वेरी गुड अर्जित, छह हैं, और छहों के नाम आपको पता होने चाहिए. आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश में है, फिर तेलंगाना में है, उसके बाद बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर तेलंगाना हो गया, कितने हो गए, एक दो तीन चार हो गए, यूपी में है, ठीक है? और कहां पर है? तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है? कर्नाटका, कर्नाटका में भी है. वेरी गुड संजीव, कर्नाटका में भी है. तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका, कौन सा ऐसा राज्य है विच स्टेट हैज एबॉलिश्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिसेंटली? Which state abolishes the legislative council recently? Harsh, अच्छा मैं बताता हूं, रुको, नहीं, अरे which state has abolished the legislative council? अभी करंट का, दीप्तो has given the right answer. जम्मू एंड कश्मीर recently include हुआ है, हाँ recently include किया जाएगा. नहीं नहीं भाई, legislative council सिर्फ छह जगहों पर, छह states में है, ठीक है? छह स्टेट्स में है वो सिर्फ, ठीक. अच्छा सुनो, लेजिस्लेटिव काउंसिल 2013 में, इन 2013 मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया गया था, ठीक है? मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एलिमिनेट कर दिया गया था. रिसेंटली ज्वाइन कौन से है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, अब नहीं है, ठीक है? अब नहीं है दीप्तो, जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट नाउ इज नॉट टेकन, ठीक है? अब वो नहीं माना जाता. क्लियर है बात? अरे कुछ समझे, जल्दी से थम्स अप दो, तुम लोग थम्स अप नहीं देते हो. चलो अगला क्वेश्चन देखो, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, लास्ट क्वेश्चन है, मार्क करो आंसर सही से, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, डी ऑप्शन. वेरी गुड, साक्षी ने सबसे जल्दी आंसर दिया है, ईवा का आंसर आ गया, नित्या हैज गिवन द आंसर, अनुजा, बहुत लोगों ने दे दिया अब तो, ठीक है? अरे पता है स्टिप्यूल क्या होता है, ए भी मार्क कर रहे हो, स्टिप्यूल पता है क्या होता है, ये सब पाए जाते हैं आपके लीप में, ठीक है? अच्छा कितने लोगों को स्टिप्यूल पता है, जल्दी से थम्स अप दो, बायोलॉजी वाले हाई फाइव,
वेरी गुड। चलो भाई अपना लीडर बोर्ड देख लो। कुलदीप इज ऑन फर्स्ट, देन भावेश, अखिलेश, दीप्तो, मेघना, राहुल, शेफाली, साक्षी, प्रणय एंड शालू। ठीक है, चलो देखो आप बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पूछा गया है टाइनी पोज लीव्स में कहाँ होते हैं, उसे स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, और इसकी प्लूरल फॉर्म स्टोमेटा इसको कहा जाता है। ठीक है, स्टोमेटा पूरा नाम, स्टोमा भी बोल देते हैं। आप समझो जरा, ये अगर लीफ है ना आपकी, इसको लीफ मान लो आप। ठीक, ये लीफ है तो बीच में एक लाइन जो चलती है इसको कहते हैं मिड रिब। इसको क्या कहते हैं? मिड रिब कहा जाता है। ठीक, इस और देखो इसके स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं, ऐसे बने होते हैं, ऐसे। ये समझ पा रहे हो ना? ये होते हैं गार्ड सेल्स, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और इनके जो बाहर बाहर सेल्स होती हैं, जो बाहर बाहर सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है कंपेनियन सेल्स या सस्पेंडेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल्स बेसिकली इनको कहा जाता है। ये सेकेंडरी सेल्स हो जाती हैं, सेकेंडरी सेल्स। ठीक, और स्टिप्यूल समझ लो क्या होता है। कितने लोगों ने गुलाब दिया है किसी को? गुलाब दिया है? नहीं दिया है तो देना। देखो यहां पर उनका ग्रीन ग्रीन हो जाता है, यहां पर भी पत्तियां नजर आती हैं। जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है, जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है वहां पर भी कुछ ग्रीन ग्रीन आ जाता है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन पत्तियां आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा लिया है तब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक सेकंड रुको, एक मिनट, कोई बात नहीं शांत, अपन तो देते ही नहीं। खैर अपन तो तोड़ लेते, अपनी कॉपी में रख लेते थे। ठीक है, हाँ हाँ कराते हैं। अच्छा सुनो, जो लोग साइंस वाले हैं वो यस कहेंगे, जो लोग कॉमर्स वाले हैं वो नो कहेंगे। मार्क करो जरा, साइंस वाले मार्क करो, और साइंस वाले यस कहेंगे, जितने साइंस वाले हैं वो यस कहें, जितने कॉमर्स वाले हैं वो नो कहें। 50-50 आ रहा है। अरे पोल पे मार्क करो भाई, अरे 50-50 चल रहा है। वेरी गुड, मतलब बराबर है क्या? अच्छा कॉमर्स वाले 51 हो गए, साइंस वाले पीछे हो गए। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अरे समझे कुछ? अपन भी आर्ट्स वाले, टेंशन नहीं लेना, अपन सब में आ जाते हैं। ठीक है, अपन ने तो प्रकार ही इसीलिए खरीदी थी कि डिजाइन बना सके। प्रकार समझते हो ना, कंपस। अरे कितने लोगों ने साड़ी का किनारा बनाया, साड़ी का किनारा अपनी आर्ट फाइल में खूब बनवाते थे। ठीक है, जल्दी से थम्स अप दो। हाँ अभी प्रणय, अभी एक और सेशन होगा इसका। ठीक है, अभी सेशन होगा, अभी और भी सेशन आएंगे आपके। क्लियर हो गई बात? चलो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस इज, थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, डू ज्वाइन माई क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लस, राइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे।